चलिए आप तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर पटना से दिखाते हैं। पटना के फतुहा रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन जैसे ही खुली वैसे एक पैसेंजर पटरियों पर गिर पड़ा। ऊपर मौत दौड़ती रही और नीचे जिंदगी जंग लड़ती रही। फिर क्या हुआ आप भी देखिए। पटरियों पर धड़धड़ाती हुई सवारी गाड़ी गुजर रही है। एक बोगी, दूसरी बोगी, तीसरी बोगी, एक के बाद एक बोगी। लेकिन इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ऊपर धड़धड़ाती हुई मौत सरपट दौड़ रही है और उसके ठीक नीचे सिमटी सिकुड़ी से जिंदगी कैसे जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। ये वायरल वीडियो है फतुहा रेलवे स्टेशन का। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी पटना झाझा पैसेंजर ट्रेन अभी खुली ही थी, तभी एक यात्री दौड़ती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करने लगा और फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच खाली हिस्से में नीचे पटरियों पर जा गिरा। ऊपर ट्रेन दौड़ती रही तो नीचे वो यात्री एक एक सांस के लिए जद्दोजहद करता रहा। फतुहा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से छुक छुक करती चल रही पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। दोनों पटरियों पर ट्रेन के रूप में साक्षात मौत दौड़ी जा रही है और उन्हीं पटरियों के बीचों बीच फंसा ये जीता से उतरने की होड़ में एक यात्री प्लेटफॉर्म पर ही गिर पड़ा तो देवदूत बनकर RPF जवान ने उस मुसाफिर की जान बचा ली। टाटा नगर रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 1 से टाटा नगर यशवंतपुर एक्सप्रेस अभी खुली ही थी। धीरे धीरे एक्सप्रेस ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगी तो दौड़ती ट्रेन पर सवार होने के लिए यात्रियों के बीच होड़ मच गए। वक्त गुजरता जा रहा था और ट्रेन की स्पीड तेज होने लगी थी, तभी स्लीपर कोच पर सवार एक मुसाफिर ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। तब तक ट्रेन की गति तेज हो गई थी। दौड़ती ट्रेन से नीचे उतरने की हड़बड़ी में उस यात्री ने जैसे ही प्लेटफॉर्म पर कदम रखा लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा और जिंदगी और मौत के बीच दो दो हाथ शुरू हो गए। मैंने देखा कि टाटा नगर यशवंतपुर ट्रेन खुल रही थी। खुलने के दौरान एक युवक उतरने का प्रयास कर रहा था। प्रयास करने के बाद वो नीचे गिर गया और ट्रेन के अंदर जाने लगा। हरी झंडी मिलते ही टाटा नगर रेलवे स्टेशन से खुली यशवंतपुर एक्सप्रेस की स्पीड तेज होने लगी, एक एक बोगी बढ़ने लगी और रेलवे स्टेशन पीछे छूटने लगा। तभी ट्रेन पर सवार यात्री दौड़ती ट्रेन से कूद पड़ा लेकिन लड़खड़ा कर धड़ाम से प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। तब तक ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी और प्लेटफॉर्म पर गिरा मुसाफिर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के खाली हिस्से की ओर समाने लगा। ये नजारा देखकर प्लेटफॉर्म में मौजूद यात्रियों के होश उड़ गए। तभी वहां खड़े RPF जवान रमेश तिवारी ने तुरंत उस यात्री का हाथ पकड़ा और खींच कर ट्रेन से दूर ले गए और उसकी जान बचा ली। एक युवक उतरने का प्रयास कर रहा था। प्रयास करने के बाद वो नीचे गिर गया और ट्रेन के अंदर जाने लगा। मैंने बिना देरी किए हुए उस युवक को खींच के बाहर निकाला और उसकी जान की रक्षा की। टाटा नगर रेलवे स्टेशन के CCTV कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखकर आप भी होश में आइए। दुर्घटना से देर भले चलती ट्रेन पर कभी भी ना सवार हों और ना ही नीचे उतरें, वरना आपकी ये हड़बड़ी आपकी बेशकीमती जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। प्रभंजन कुमार, News 18, जमशेदपुर। सहरसा पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी रात्रि गश्ती के बहाने जाम पर जाम छलकाती है। पुलिस वालों की शराब पार्टी का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ सहरसा में हड़कंप मच गया। सहरसा पुलिस की जिप्सी बीच सड़क पर खड़ी है और उसके सामने मौजूद खाकी वाले जाम से जाम टकराए जा रहे हैं। ये वायरल वीडियो है नौहट्टा थाना क्षेत्र का और इस वीडियो में नजर आ रहे खाकी वाले का नाम है उदयकांत शर्मा। नाइट पेट्रोलिंग के दौरान जब नौहट्टा पुलिस की गाड़ी जाने पहचाने ठिकाने पर पहुंची तो मित्रों की टोली संग ASI उदयकांत शर्मा भी नशे की घूंट गटकने लगे। फिर तो महफिल में रंग ही जम गया।
जिस खाके पर नशा बंदी कानून लागू करने की जिम्मेदारी है, वही पुलिस वाले आज नशे की धारा बहाए जा रहे हैं, संगी साथियों के साथ जाम छलकाए जा रहे हैं। नौहट्टा की सड़क पर खुलेआम नशाखोरी का खेल चल रहा है। इसका वीडियो जैसे सोशल मीडिया में वायरल हुआ, वैसे ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मुंगेर के SP लिपि सिंह ने वीडियो की जाँच का आदेश दिया और वीडियो में नजर आ रहे नशेड़ी पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही। जिस नौहट्टा पुलिस पर नशेड़ियों और नशे के सौदागरों को दबोचने की ड्यूटी है, वही पुलिस वाले नशे में मदमस्त हो रहे हैं। इस वायरल वीडियो ने खाकी और शराब माफिया के बीच साठ घाट को तो उजागर कर ही दिया है, नशाबंदी कानून की आड़ में चल रहे अवैध धंधे की भी पोल खोल दी है। कुमार अनुभव सिंह, News 18 सहरसा। खगड़िया पुलिस ने मुखिया जी की पार्टी में छापा मारा तो मुखिया के साथ साथ उनके कई साथी दारू पीते रंगे हाथ पकड़े गए, तो नशे में टल्ली मुखिया ने भी शराब पीने की बात स्वीकार कर ली। हम पार्टी में थे, हम क्या करूं, एक आध घोट बियर मैं पिया हुआ हूं। हम पार्टी में थे, हम क्या करूं, एक आध घोट बियर मैं पिया हुआ हूं। जब खगड़िया पुलिस ने शराब पार्टी करते हुए रंगे हाथ दबोचा तो नशे में टल्ली मुखिया जी को मानना ही पड़ा कि एक आध घूट पी ली तो क्या करूं? हम पार्टी में थे, हम क्या करूं, एक आध घूट बियर मैं पिया हुआ हूं। हम पार्टी में थे, हम क्या करूं, एक आध घूट बियर मैं पिया हुआ हूं। हम पार्टी में थे, हम क्या करूं, एक आध घूट बियर मैं पिया हुआ हूं। अंधेरे कमरे में शराब पार्टी चल रही है, चिकन की थाली आधी खाली है और चखना भी खत्म हो गया है। खाली ग्लास जमीन पर गिरे हुए हैं और उस ग्लास में भरी नशे की धारा गटक चुके मुखिया जी के होश ही फाकता हो गए हैं। गुप्त सूचना पर जैसे ही महेश खुंट पुलिस ने पकड़ैल पंचायत में छापा मारा, मुखिया अरुण कुमार अपने साथियों के साथ शराब पार्टी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। मेडिकल जांच कराने के लिए उन सबको तुरंत खगड़िया सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ मदहोश मुखिया जी बेकाबू हो गए। पार्टी में थे, कहीं एक आध पैक पी भी लिए और दारू कहाँ से आया, ये पुलिस वाला ही बेचवाता है, दारू कौन बेचवाता है? पार्टी में थे, हम क्या करूं, एक आध घोट बियर मैं पिया हुआ हूं। नशे में टल्ली मुखिया जी और उनके साथियों को लेकर जब महेश खुंड पुलिस खगड़िया सदर अस्पताल पहुंची, वहां भी नशेड़ियों की टोली ड्रामा करने लगी। मुखिया जी के जिगरे यार जमीन पर लेटकर जोर शोर से चिल्लाने लगे। बड़ी मुश्किल से उसे संभाला गया तो दूसरे साथी भी पुलिस वाले पर गुस्सा उतारने लगे। धरपकड़ कर सबकी मेडिकल जांच कराई गई। खगड़िया पुलिस ने शराबबंदी कानून के जरिए कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। चुनचुन शर्मा पिता जय किशोर शर्मा साकिन लेवा, इसके घर में ये लोग शराब पी रहा है और रोजाना ये लोग का धंधा है शराब पीने का। अगल बगल से लोग को बुला के शराब पीता है, तो आज गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग रेड किए हैं इसके पास और इसको शराब पीते हुए हालत में पकड़े हैं। जिस मुखिया पर शराबबंदी लागू करने की जिम्मेदारी है, वही मुखिया जी अपने संगीत साथियों के साथ मजे से दारू पीकर और चिकन पार्टी कर रहे हैं। जब पुलिस एक्शन में आ रही है तो पुलिस वालों पर ही गुस्सा उतार रहे हैं मुखिया जी। दिग्विजय कुमार, News 18 खगड़िया। अररिया के व्यस्ततम केसरी मोहल्ले में बाइक सवार लुटेरों ने लाखों रुपए लूटपाट कर ली। डकैतों ने दुकान से नोटों की गड्डियां उड़ाई और दिन के उजाले में आराम से फरार हो गए। केसरी मोहल्ले की सड़क पर दो दो लुटेरे कैश लूट कर भाग रहे हैं। एक डकैत के हाथ में पिस्टल चमक रहा है तो दूसरे लुटेरे ने नोटों की गड्डियां पकड़ रखी हैं। लूटपाट करके दोनों लुटेरे बाहर निकले ही थे कि तभी पीछे से उनका तीसरा साथी फटफटिया दौड़ाते हुए वहां पहुंच गया। जैसे ही बाइक रुकी, दोनों अपराधी उस पर बैठे और यहां से फुर हो गए। तब तक लूटपाट के शिकार व्यवसायी महेश भगत ने हंगामा मचाया और फारबिसगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई। दो थे, मेरे दराज खोल के उनको पिस्टल सटा के पैसा ले लिया। कितना पैसा? अब वो गिनती तो नहीं है, 5 से ऊपर है।
गल्ला व्यवसायी महेश भगत अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी दो लुटेरे आ धमके और गले से सारा नोट बटोर लिया। पॉकेट में गड्डियां ठूसी, हाथ में नोट के बंडल उठाए और केसरी मोहल्ले की सड़क से भागने लगे। तभी पीछे से आ रही फटफटिया उन लुटेरों के पास आकर रुक गई, तो दोनों अपराधी फटाफट उस पर सवार हुए। आगे बैठे तीसरे साथी ने एक्सेलरेटर दबाई और 5 लाख कैश के साथ तीनों लुटेरे पल भर में फरार हो गए। फारबिसगंज के व्यस्ततम केसरी मोहल्ले में दिन दहाड़े लाखों रुपए की लूटपाट की वारदात ने सबके होश उड़ाकर रख दिए हैं। अररिया पुलिस डकैती की सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए तीनों लुटेरों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। सतीश मिश्र, न्यूज 18, अररिया। हाथ लग गया जबकि दूसरा फरार हो गया। जमशेदपुर की निजी कंपनी में नकाबपोश चोर ने लाखों रुपए की चोरी कर ली। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए जमशेदपुर पुलिस उस शातिर अपराधी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। आधी रात को सीताराम डेरा की न्यू लेल आउट कॉलोनी में सन्नाटा पसरा है, तभी एक नकाबपोश शख्स आता हुआ दिखाई देता है। कुछ दूर चलने के बाद उसके कदम लिस्टेक कंपनी के दफ्तर के बाहर ठिठकते हैं। थोड़ी देर तक वो सड़क पर ही खड़ा रहता है। जैसे ही रास्ता साफ दिखता है, झट से गेट के पास जाता है और भारी भरकम रॉड से ताले पर वार करने लगता है। कुछ ही पल में ताला टूट जाता है और वो नकाबपोश अपराधी दफ्तर के अंदर घुस जाता है। एक ताला तोड़ा है और एक दरवाजा का कुंडी तोड़ा है, मैंने दो ताला तोड़ा है और एक दरवाजा का कुंडी तोड़ा है, उधर का भी स्टोर का भी दरवाजा का ताला तोड़ा। रात के अंधेरे में सुनसान लिस्टिक कंपनी के दफ्तर के ताले पर नकाबपोश अपराधी वार किए जा रहा है। रॉड के प्रहार से कुछ ही पल में ताला टूटकर नीचे गिर गया और वो लुटेरा धड़धड़ाते हुए अंदर दाखिल हो गया। सुबह जब कंपनी के कर्मचारी दफ्तर पहुंचे तो एक एक ड्रॉवर खुले हुए थे, अंदर रखा सारा कीमती सामान गायब था। जब दफ्तर के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया तो नकाबपोश चक्के की एक एक हरकत सामने आ गई। यहाँ पे आया तो देखा कि हमारा एक लैपटॉप, एक आपका एनवीआर और 35,000 कैश प्लस एक 110 रुपया का पुराना वाला बंडल, वो भी चोरी हुआ है। वो मेरा लकी नोट था 2017 से हमने रखा हुआ था और आपका मॉडल। सीताराम डेरा में निजी कंपनी के दफ्तर से सनसनीखेज चोरी की तस्वीरों ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए जमशेदपुर पुलिस अब शातिर अपराधी की तलाश में जुट गई है। प्रभंजन कुमार, न्यूज 18, जमशेदपुर। वैशाली के हाई स्कूल ग्राउंड में पुलिस और पब्लिक के बीच अनूठा क्रिकेट मैच हुआ, जिसमें पुलिस की टीम ने पब्लिक की टीम को 6 विकेट से हरा दिया। जैसे ही बल्ले की मार खाकर दनदनाती हुई गेंद बाउंड्री की ओर भागने लगी, वैसी वर्दी वाले बैट्समैन रन बनाने के लिए स्टंप्स की बीचों बीच दौड़ लगाने लगे। पुलिस और पब्लिक की टीमों के बीच ये अनोखा क्रिकेट मैच हुआ सहदेई बुजुर्ग गांव के हाई स्कूल ग्राउंड में। मुकाबले के दौरान जब भी चौके और छक्के लगते, वहां मौजूद क्रिकेट प्रेमी खुशी के मारे तालियां पीटने लगते। टॉस जीतकर पब्लिक क्रिकेट टीम ने पहले बैटिंग की, लेकिन तेज तरार खाकीधारी गेंदबाजों ने महज 16 ओवर में ही पूरी पब्लिक टीम को 96 रनों पर समेट दिया। अब बैटिंग की बारी पुलिस टीम के बल्लेबाजों की थी। दारोगा विद्या कुमार सिर पर हेलमेट और हाथों में ग्लव्स पहनकर बैटिंग करने उतरे तो उनका अंदाज सहदेई के ग्रामीणों को बेहद भा गया। वर्दी वाले बैट्समैन की दनादन चौके और छक्के जड़ते रहे और जोश के मारे ग्रामीण दर्शक तालियां पीटते रहे। एक एक कर 4 विकेट गिर गए, लेकिन जैसे ही 10 ओवर पूरे हुए, पुलिस की टीम ने 97 रन बना लिए और पब्लिक की टीम को करारी शिकस्त दे दी।
सहदेई गांव की जनता और सहदेई पुलिस के जवानों के बीच हुए इस मुकाबले में ग्रामीण जनता का मनोरंजन तो किया ही, पुलिस और पब्लिक के बीच आपसी तालमेल और सामंजस्य बैठाने का मौका भी दिया। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 वैशाली। जयमाला के स्टेज पर दूल्हे राजा ने जो किया शायद ही पहले कभी ऐसा देखा गया है, लेकिन जो होना था सो हो गया। अब ये दूल्हा चारों तरफ हंसी का पात्र बन गया है। वरमाला का स्टेज सजा था, मेहमानों की टोली जुटी थी, सुर्ख लाल जोड़ी में सजी दुल्हनिया वरमाला के लिए खड़ी थी। तभी दुल्हन ने नए नवीले दूल्हे राजा के गले में वरमाला पहनाई और नीचे झुककर पति परमेश्वर का आशीर्वाद भी ले लिया। अब बारी दूल्हे राजा की थी, सो दूल्हे राजा ने भी अपनी दुल्हनिया के गले में वरमाला सजाई और अगले ही पल आशीर्वाद लेने के लिए ज्यों ही नीचे झुका वैसे ही शर्मा कर दुल्हनिया पीछे हट गए। फिर तो मेहमानों की हंसी छूटी नहीं छूट रही थी। अजब शादी की ये गजब तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें सूट बूट में सजे धजे दूल्हे मियां और नई नवीले दुल्हन आमने सामने खड़े हैं। चारों ओर बारातियों और शरारतियों की भारी भीड़ है। तभी जैसे ही शुभ घड़ी आई वैसे ही दुल्हनिया ने दूल्हे राजा के गले में जयमाला डाल दी। पर क्या था, दूल्हे राजा भी झट से एक्शन में आ गए, दुल्हन के गले में माला पहनाई और तुरंत नीचे झुककर लगे हाथ आशीर्वाद भी ले लिया तो दुल्हन सकपकाने लगी। दूल्हे की शराफत की ये तस्वीरें जो कोई भी देख रहा है, हंसी रुक नहीं रही। पहली बार दूल्हा बने बेचारे युवक को लगा जैसे ये कोई रस्म है, सो उसने भी दुल्हन की तरह वरमाला पहनाई और उसके पांव छूने लगा। जयमाला में उल्टी गंगा बहने का ये वीडियो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है और ये दूल्हा हर किसी की हंसी का पात्र बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।